टेंडर हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल के नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों ने माह रमजान को अलविदा करते हुए ईद उल फितर का जश्न मनाया। हर साल की तरह इस साल भी टेंडर हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों और उस्ताद ने ईद की खुशी में जलसा मनाया। सभी ने एक दूसरे को हाथ मिलाकर और गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। जहां लड़के सफेद कुर्ते पजामा और नमाजी टोपी में जच रहे थे, वहीं लड़कियां शलवार कमीज में फब रही थी। बच्चे, शिक्षिकाएं और अभिभावक सभी ईद के इस जश्न में शरीक हुए। आज हमारे यहाँ ईद का सेलिब्रेशन है। रमजान के इस पाक महीने में हमारे यहाँ बहुत से बच्चे, शिक्षिकाएं इस इतने कड़े व्रत को करते हैं और उस हार्डशिप को जो वो बियर करते हैं, उसके रिजल्ट के फलस्वरूप अल्लाह ने उनको ये ईद का त्यौहार दिया जिसमें वो खुशियां मनाए। क्योंकि ईद में तो बच्चे आएंगे नहीं, तो हमारे पहले ही हमने शुरुआत कर दी। ये एक समाज को एक प्रेरणा है हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे शिक्षिकाओं के द्वारा। सद्भावना का एक संदेश है कि सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल करके रहें। हम बच्चों को ईद या सारे पर्व इतनी धूमधाम से मनाते हैं और उनको बताते हैं कि हम ईद क्यों करते हैं। आज हमारे यहाँ बच्चे सफ़ेद कुर्ते पजामे में नमाजी टोपी पहन के, लड़कियाँ कुर्ते सलवार कुर्ते में सब तैयार होके आई हैं, सब आपस में गले मिल रहे हैं। सभी को मैंने ईदी बांटी, शिक्षिकाओं को, बच्चों को, ताकि उनको पता लगे कि किसका क्या महत्व है। अगर महत्व जानेंगे तभी वो किसी भी धर्म का आदर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। हमारे समाज में हम विद्वेष और ईर्ष्या से या किसी भी तरह की भावना से, अहिंसा से हम नहीं जी सकते हैं, क्योंकि हम इतने मिले जुले हैं जैसे दूध से पानी। क्या आप दूध से पानी अलग कर सकेंगे? कभी नहीं। इसलिए हमारे यहाँ बच्चे आज ईद का त्यौहार मना रहे हैं और बड़ी ही खुशी का वातावरण है। मानो सचमुच में पहले ही ईद की शुरुआत हो गई। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।